हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका SBI PO एग्जाम में पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD की रिजर्वेशन के ऊपर एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग मन में सवाल होता है इस टॉपिक ऊपर। चलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं तो बड़ा क्लैरिटी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। हम बात क्या कर रहे हैं, ऐसा इंसान जिसको डिसेबिलिटी है। अब यहाँ बात हो रही है डिसेबिलिटी है और रिजर्वेशन के संबंध में, किसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन के संबंध में हम बात कर रहे हैं। अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो तो एक चीज समझिएगा, 100 सीटें हैं पूरे, इन टोटल 100 सीट होती है। अगर उस 100 सीट में 4% PWD के लिए रिजर्व होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हम इसे बोलते हैं। यानी 100 सीट है तो 4% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब जो रिजर्वेशन हो रही है आपकी, ठीक है, वो कैसे होता है वो समझिए। अब यहां पे जो PWD के कैंडिडेट्स हैं, जो सीट्स इनके लिए रिजर्व है, तो ये स्प्लिट किया होगा, लाइक जनरल का होगा अलग, यानी जनरल कोटा में आपको मिलेगा 4% का रिजर्वेशन, उसी तरीके से SC कोटा में आपको मिलेगा 4% का रिजर्वेशन। समझ रहे बात, ST कोटा में भी आपको 4% का मिलेगा रिजर्वेशन, और भी कुछ अगर कोई कोटा है तो वहां भी 4% मिलेगा। यानी हम बात करेंगे, अगर टोटल निकला 100 सीटें तो 100 में से 4 सीटें रिजर्व होगी, ठीक है। अब इसमें भी बेंचमार्क है, आपको रिजर्व का जो सीट तभी मिलेगा जब आपके पास 40% का हैंडीकैप होगा उसमें, या 40% आप डिसेबल होंगे, हैंडीकैप नहीं बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे डिसेबल, क्या होंगे, 40% अगर आप डिसेबल हैं तो आपको ये रिजर्व सीट आपके लिए है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बेंचमार्क आपको समझ में आ रही है, तो रिजर्व सीट यानी आपको रिजर्वेशन पे अगर फाइट करना है सीट पर तो 40% की डिसेबिलिटी होनी होगी, ठीक है। जिस चीज के लिए भी, मान लीजिए हाथ से लाचार है, टांग से लाचार है, आंख से है, कान से, जो भी चीज होता हो उसे 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए, ये आपका मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ होगा, रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट पे मेंशनड होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को क्लैरिटी समझ में आया होगा, फिर कुछ डाउट होगा तो इसी वीडियो में कमेंट जरिए पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।